हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है माय प्रोजेक्ट एचडी पर। फ्रेंड्स, हमारी नोड जेएस ट्यूटर सीरीज चल रही है और हमारे ट्यूटर पार्ट 4 है, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे जावास्क्रिप्ट रिफ्रेशर। एंड जावास्क्रिप्ट रिफ्रेशर का ये सेकंड ट्यूटोरियल है, ये टोटल 4 ट्यूटोरियल है जिसमें से ये सेकंड है। इसके पहले वाले ट्यूटोरियल में हमने देखा था जावास्क्रिप्ट बेसिक सिंटैक्स एंड लोड लेट एंड कॉन्स्ट में क्या डिफरेंस होता है। आज के इस ट्यूटोरियल में हम देखेंगे एरो फंक्शन एंड नॉर्मल फंक्शन में क्या अंतर है और आप किस तरीके से इसे यूज़ कर सकते हैं। नोड जेएस और जावास्क्रिप्ट में आप दो टाइप से फंक्शन बना सकते हैं। एक बेसिक फंक्शन होते हैं जो सभी टाइप की लैंग्वेजेस में यूज़ होते हैं, एंड कुछ फंक्शन ऐसे होते हैं जो स्पेशली जावास्क्रिप्ट में आते हैं, सिंटैक्स उनके जावास्क्रिप्ट के हैं और उन्हें हम एरो फंक्शन कहते हैं। तो हम दोनों में डिफरेंस देखेंगे एंड दोनों को हम बना के देखेंगे कि आप नॉर्मल फंक्शन किस तरीके से बना सकते हैं नोड जेएस एंड जावास्क्रिप्ट में, एंड एरो फंक्शन आप किस तरीके से बना सकते हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं बेसिक फंक्शन क्या होते हैं, देन उसके बाद हम देखेंगे एरो फंक्शन क्या होते हैं। तो आते हैं हम हमारे एडिटर पर। यहाँ पर हमने जो हमारे प्रीवियस ट्यूटोरियल में एप डॉट जेएस फाइल बनी थी वही फाइल है, हम उसी फाइल में आगे कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ पर हम एक फंक्शन क्रिएट करते हैं। तो नॉर्मल फंक्शन बनाने का सिंटैक्स इसी तरीके से होता है, आपको सबसे पहले लिखना होता है फंक्शन कीवर्ड। तो आप यहाँ लिखेंगे फंक्शन, ये एक कीवर्ड होता है, ये प्री डिफाइंड कीवर्ड है, ये आपको वैसे इंपोर्ट या कुछ नहीं करना होता है, ये जावास्क्रिप्ट में प्री डिफाइन होता है। देन उसके बाद आपको यहाँ पे लिखना होगा फंक्शन का नेम। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं शो मैसेज। देन इसके बाद आपको यहाँ पे लगाने होंगे पेरेंथीसिस, एंड पेरेंथीसिस के बाद आपको यहाँ पर देने होंगे कर्ली ब्रैकेट, जिससे आपके फंक्शन की बॉडी बन जाती है। एंड यहाँ पर आप लिखेंगे कंसोल डॉट लॉग, एंड इसमें आपको यहाँ पर देना होगा मैसेज। तो यहाँ लिख देते हैं हम इन फंक्शन बॉडी, एंड इसे हम करते हैं सेव। सेव करने के बाद हम देखते हैं कि हमें आउटपुट मिल रहा है या नहीं। तो हम यहाँ लिखेंगे नोड स्पेस एप डॉट जेएस, एंड हम यहाँ पे इंटर हिट करेंगे। तो देखिए हमें कोई आउटपुट नहीं मिला है, क्योंकि हमने यहाँ पर केवल फंक्शन बनाया है, इसे अभी कॉल नहीं किया है, इसलिए यहाँ पर हमें कोई भी आउटपुट नहीं मिल रहा है। तो हमें यहाँ पर करना होगा कंसोल डॉट लॉग, एंड यहाँ पर हम लिखेंगे शो मैसेज, एंड केवल हम इसे फंक्शन का नाम लिख के सेव करके देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पर हम अगेन इसे करते हैं नोड जे एप डॉट जे एस। तो देखिए यहाँ पर ये प्रिंट हुआ है कि शो मैसेज एक फंक्शन है, इसका जो टाइप है वो फंक्शन है, फंक्शन के अंदर का डेटा प्रिंट नहीं हुआ, केवल यहाँ पर ये पता चला है कि हमारा ये एक फंक्शन है। मतलब यहाँ पर आपने केवल इसे पास किया है, ना कि एग्जीक्यूट किया है। तो अगर आप इसे एग्जीक्यूट करना चाहते हैं तो आपको इसके आगे पेरेंथिसिस भी लगाने होंगे। अगर आप केवल नाम लिख देते हैं, मतलब आपने उसे केवल यहाँ पर रेफर किया है, आप उसे यूज़ नहीं करना चाहते हैं, आपने केवल यहाँ पर इसे पास किया है, एंड अगर आप पेरेंथिसिस लगा सकते देते हैं तो आपका जो फंक्शन है वो एग्जीक्यूट स्टेट में आ जाता है। अब अगर हम इसमें सेव करते हैं एंड अगेन इसे हम रन करेंगे, तो देखिए यहाँ पर हमें डेटा मिल रहा है। अब देखिए आपको यहाँ पर हमारा डेटा तो आ चुका है, यहाँ पर देखिए कंसोल डॉट लॉग था, तो ये कंसोल डॉट लॉग तो प्रिंट हो चुका है, लेकिन साथ साथ हमें यहाँ पर अनडिफाइंड भी मिला है। अगर आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे तो यहाँ पर आपको देखिए यहाँ पर अनडिफाइंड आ रहा है। तो अनडिफाइंड आने का रीज़न ये है कि यहाँ पर दो कंसोल डॉट लॉग है, पहला कंसोल डॉट लॉग जिसके अंदर मैसेज प्रिंट हो रहा है, और सेकेंड कंसोल डॉट लॉग जिसके अंदर हमारा फंक्शन कॉल हो रहा है। तो इसे हम दूर करने के लिए इस कंसोल डॉट लॉग को रिमूव करेंगे, एंड उसके बाद हम यहाँ पर इसे सेव करेंगे। एंड अगेन हम रन करते हैं नॉट स्पेस एप डॉट जे एस, देन हिट करेंगे। तो देखिए यहाँ पर आपका नॉर्मली यहाँ पर प्रिंट हो रहा है, अब यहाँ पर अनडिफाइंड नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर हमारा जो कंसोल डॉट लॉग है वो सिंगल ही है। और अगर आप चाहते हैं कि आपका जो फंक्शन है वो कंसोल डॉट लॉग में ही रहे, तो आपको नॉर्मली आपके फंक्शन में जाना है और थोड़ा सा चेंजेस करना है, कंसोल डॉट लॉग रिमूव करना है, देन यहाँ पर लिखना होगा इन फंक्शन फंक्शन बॉडी रिटर्न स्टेटमेंट एंड सेमी कॉलन, देन सेव करेंगे। सेव करने के बाद हम अगेन रन करते हैं, देन ये देखिए इन फंक्शन बॉडी रिटर्न स्टेटमेंट। तो आप इस तरीके से भी इसे यूज़ कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप कंसोल बाहर करना चाहते हैं तो आप इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। आप इसे मल्टीपल टाइम भी कॉल कर सकते हैं, जिस तरीके से यहाँ पर आप मल्टीपल टाइम रिपीट कर सकते हैं, देन सेव करेंगे।
एंड इसे यूज़ करेंगे तो ये देखिए मल्टीपल टाइम यहाँ पर एक्सेस हो रहा है। ये होते हैं नॉर्मल फंक्शन। एंड अगर आप इन फंक्शन में चाहते हैं कोई पैरामीटर पास करना, जैसे हमने यहाँ पर इसे मल्टीपल टाइम कॉल किया, तो अभी तो मल्टीपल टाइम सेम वैल्यू आ रही है, लेकिन आप चाहते हैं कि इनमें कुछ डायनेमिक डेटा ही पास हो, तो यहाँ पर आप आर्ग्यूमेंट ले सकते हैं। तो हम यहाँ पर एक आर्ग्यूमेंट लेते हैं, देन उस आर्ग्यूमेंट को यहाँ पर हम स्पेस देंगे, देन कंकेटिनेट कर देंगे इस तरीके से, और यहाँ पर हम लिख देते हैं 1, 2, 3 एंड सेव करते हैं। अगेन रन करेंगे नोड स्पेस एफ डॉट जे एस, एंड देखिए यहाँ पर आ रहा है स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2 एंड स्टेटमेंट 3। इस तरीके से आप यहाँ से कुछ भी पास करते हैं, जो आप चाहें वो पास कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो यहाँ पर दे सकते हैं, यहाँ पर 10 रहेगा, और आप जो भी वैल्यू देंगे वो आपके इस आर्गूमेंट से प्लस हो जाएगी और आपको प्रिंट होगी। आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, यहाँ पर नोड स्पेस एफ डॉट जे एस देन हिट करेंगे तो देखिए 11, 12, 13, 14 इस तरीके से आ रही है, और यहाँ पर इस तरह का आउटपुट भी आ रहा है। आप इसमें कितने भी पैरामीटर दे सकते हैं, आप चाहें तो दोनों पैरामीटर दे सकते हैं ARG1 एंड ARG2, कुछ इस टाइप से। यहाँ पर ARG2 वेरिएबल के नेम अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। यहाँ पर मैंने केवल एक एग्जांपल के लिए ARG वेरिएबल बनाया है, ARG4 आर्ग्यूमेंट्स, एंड यहाँ पर हम देते हैं ARG2 एंड यहाँ पर हम पास कर देते हैं। तो दोनों वैल्यू आपके अकॉर्डिंग होगी, जो आप चाहते हैं वो पास कर सकते हैं एंड सेव। अगेन हम इसे रन करेंगे तो देखिए यहाँ पर आउटपुट आ रहा है 4 + 1 = 5 होता है, देन 6 + 2 = 8 एंड 3 और 9 = 12। तो इस तरीके से यहाँ पर प्रिंट हो रहा है वैल्यू हमारी। तो आप इस तरीके से पैरामीटराइज फंक्शन भी बना सकते हैं। ये होता है हमारे नॉर्मल फंक्शन एंड नॉर्मल फंक्शन में पैरामीटर पासिंग। एंड सेकेंड जो टाइप के फंक्शन होते हैं वो होते हैं एरो फंक्शन। तो हम देखते हैं एरो फंक्शन क्या होते हैं। तो हम इस कंसोल डॉट लॉग को हटा देते हैं, यहाँ से केवल एक कंसोल डॉट लॉग रखते हैं एंड सेव करके हम इसका एक आउटपुट देख लेते हैं सिंगल कंसोल डॉट लॉग पे, तो देखिए 5 आ रहा है। अब हम डिस्कस करते हैं कि एरो फंक्शन क्या होते हैं। तो एरो फंक्शन ES6 के बाद से इंट्रोड्यूस हुए हैं। इन्हें बनाने का सिंटेक्स कुछ इस तरीके से होता है, यहाँ पर आपको लिखना होता है कॉन्स्ट, देन कॉन्स्ट के बाद लिखना होता है आपको फंक्शन का नेम। जो आपका फंक्शन होता है उसका नेम लिखना होता है, तो यहाँ पर हम देते हैं एरो फंक्शन। आप कुछ भी दे सकते हैं, मैंने यहाँ पर एरो फंक्शन दिया है, ये रिक्वायर्ड नहीं है कि आप एरो फंक्शन ही दें। देन उसके बाद आपको लिखना होगा इक्वल, एंड इक्वल के बाद आपको यहाँ पर देना होगा कर्ली ब्रैकेट, एंड उसके बाद यहाँ पर आपको देना होगा एरो। इसमें यहाँ पर एरो यूज़ होता है, इसलिए इसे एरो फंक्शन कहा जाता है। एंड इसके बाद आपको यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग करना है इन एरो फंक्शन। देन इसे यूज़ करने का तरीका ये होता है, यहाँ पर लिखेंगे कंसोल डॉट लॉग एंड आपको यहाँ पर फंक्शन का नाम लिख के उसे कॉल करना है। जिस तरीके से हमने नॉर्मल फंक्शन कॉल किया था, आपको भी उसी तरीके से यूज़ करना है। तो हम कंसोल डॉट लगा तो नॉर्मली इसे यहाँ पर कॉल कर देते हैं एंड सेव करते हैं। अगेन रन करेंगे तो देखिए यहाँ आ रहा है इन एरो फंक्शन। तो आपका एरो फंक्शन कुछ इस तरीके से यहाँ पर वर्क कर रहा है। एंड इसी के साथ इन दोनों फंक्शनों में एक बेसिक डिफरेंस होता है कि आपका जो ये वाला फंक्शन, जो नॉर्मल फंक्शन होता है, इसमें आप अगर क्लास लेवल पे वर्क कर रहे हैं, अगर आपकी कोई क्लास है तो क्लास का धीस इसके अंदर वर्क नहीं करता है। जो आपका ये फंक्शन टाइप का जो होता है, जो नॉर्मल होते हैं, इसके अंदर धीस वर्क नहीं करता है, क्योंकि इसका खुद का एक धीस होता है, इस फंक्शन का सेल्फ धीस होता है। तो इसके अंदर आपका जो धीस है वो वर्क नहीं करता है। अगर आप चाहते हैं कि आपका क्लास का धीस आपके फंक्शन के अंदर एक्सेस करे, तो आपको बनाना होगा एरो फंक्शन। तो इससे आपको ये मिलता है कि आप क्लास की सारी प्रॉपर्टी को इसके अंदर एक्सेस कर पाएंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके जो क्लास है, क्लास के अंदर के सारे वेरिएबल एंड उसका धीस ऑब्जेक्ट आप अपने फंक्शन के अंदर यूज़ करना चाहते हैं, तो आप उसके लिए यहाँ पर एरो फंक्शन ही बनाएं। देन एरो फंक्शन में आप आर्ग्यूमेंट भी पास कर सकते हैं। यहाँ पर हम लिख देते हैं ARG और यहाँ पर हम कंकेटिनेट करेंगे, देन इसका हम आउटपुट देखते हैं। यहाँ पर आर्ग्यूमेंट दे देते हैं 2, देन इसे हम करेंगे रन तो देखिए यहाँ पर आ रहा है 2। अगर हम इसे कॉपी करें देन यहाँ पर हम देते हैं 1 एंड अगेन रन करेंगे तो देखिए यहाँ पर आ रहा है 1 एंड 2। तो इस तरीके से आप यहाँ पर पैरामीटर भी पास कर सकते हैं। अगर आपका जो फंक्शन है वो नॉन पैरामीटराइज, मतलब उसके अंदर आप कोई भी पैरामीटर पास नहीं करना चाहते हैं, तो आपका जो सिंटेक्स है वो थोड़ा और शॉर्ट हो जाता है।
जैसे आप दे सकते हैं, एंड रन करेंगे एंड एआरजी। ओके, एआरजी हमें हटाना होगा एंड इसे हम करते हैं रन। तो देखिए यहाँ पर आ रहा है। एंड अगर आप सिंगल पैरामीटर देना चाहते हैं, आप मल्टी पैरामीटर नहीं देना चाहते, तो हम यहाँ लिखते थे नॉर्मल ए आर जी। आपको यहाँ पे ब्रैकेट की भी कोई ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे ए आर जी, देन प्लस करके यहाँ पे लिखते हैं ए आर जी, तो भी प्रॉपर वर्क करेगा। ये देखिए यहाँ पर आपको पेरेंथेसिस लगाने की कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन अगर आप एक से ज़्यादा आर्ग्यूमेंट लेना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे पेरेंथेसिस लगाना होगा। देन यहाँ पे लिखेंगे ए आर जी वन, देन ए आर जी टू। एंड यहाँ पर भी हम कंकेटनेट कर देंगे प्लस, देन यहाँ पे हम दे देते हैं 1,2 एंड सेव करेंगे। अगेन रन करेंगे तो यहाँ पर आ रहा है ए आर जी। ओके, ए आर जी 1 करना होगा इसे एंड सेव। अगेन इसे हम करते हैं हिट, तो देखिए हमारे दोनों पैरामीटर यहाँ पर प्रिंट हो रहे हैं। और अगर आप सिंगल पैरामीटर है तो आपको यहाँ पर पेरेंथेसिस लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप इसे पेरेंथेसिस को रिमूव भी कर सकते हैं। तो आप इस तरीके से एरो फंक्शन और नॉर्मल फंक्शन यूज़ कर सकते हैं आपकी नीड के अकॉर्डिंग। अगर आप दिस का आपको इतना यूज़ नहीं है और क्लास के प्रॉपर्टी का यूज़ नहीं है, तो आप नॉर्मल फंक्शन बना सकते हैं। एंड अगर आप चाहते हैं कि आपको क्लास की प्रॉपर्टी एक्सेस करना है एंड दिस ऑब्जेक्ट को भी एक्सेस करना है अपने फंक्शन के अंदर, तो आप एरो फंक्शन बनाएं। दोनों को कॉलिंग करने का तरीका सेम होता है, बस दोनों में थोड़ा सा लॉजिकल अंतर होता है। इसके अंदर दिस एक्सेस करता है और इसके अंदर दिस एक्सेस नहीं करता है। एंड इसका सिंटेक्स भी थोड़ा सा एडवांस होता है, तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं। एंड इसके बाद एक और तरीका होता है फंक्शन बनाने का। यहाँ पर लिखे कॉन्स्ट एंड फंक्शन नेम, एंड इसके बाद आपको यहाँ पे लिखना होगा इक्वल्स टू फंक्शन एंड इस तरीके से ब्रैकेट। एंड यहाँ पर आपको लिखना होता है कंसोल डॉट लॉग, यहाँ देंगे अदर फंक्शन। एंड इसे कॉल करने का तरीका सेम है, आपको फंक्शन का नेम लिखना है एंड एक्सेस करना है। सेव, देन सेव करने का इसे रन करेंगे, तो देखिए यहाँ पर अदर फंक्शन हमारा वर्क कर रहा है। तो आप ये तीन तरीके सिंटेक्स मंग आप फंक्शन क्रिएट कर सकते हैं। पहला होता है आपका नॉर्मल फंक्शन, जिसे आप इस तरीके से बनाते हैं। सेकेंड होता है एरो फंक्शन, जो आप इस तरीके से बनाते हैं। और थर्ड इस टाइप के फंक्शन भी होते हैं, जिसमें आप एक वेरिएबल बना लेते हैं और वेरिएबल में एक फंक्शन को इनिशियलाइज कर देते हैं। तो इस तरीके से भी आप फंक्शन बना सकते हैं। ये एक वेरिएबल है नॉर्मल, और इसके अंदर हमने एक फंक्शन को इनिशियलाइज किया नॉर्मली। यहाँ पर ये फंक्शन आपका नॉर्मल जावास्क्रिप्ट सिंटेक्स है, अगर आपको याद हो तो। आप कुछ इस तरीके सिंटेक्स भी यूज़ करते हैं जावास्क्रिप्ट में, डॉक्यूमेंट डॉट ऑन क्लिक देन फंक्शन। ये इस तरह से आप यहाँ पे फंक्शन एसिडिस पास कर देते हैं। एंड यहाँ पर चाहे तो आप इस फंक्शन को वेरिएबल लेके भी यूज़ कर सकते हैं, डायरेक्ट आप यहाँ पे भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये वही तरीका है, यहाँ पर हम डायरेक्ट फंक्शन को ही पास कर दिया, हमने कोई वेरिएबल पास नहीं किया है, तो यहाँ पर भी वही तरीका होता है। तो इसी तरीके का ये सिंटेक्स है, तो आप इसे भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपकी नीट है। आप इस तरह से वेरिएबल टाइप में देना चाहते हैं, क्योंकि नोड में ज़्यादातर डेवलपर इसी टाइप के फंक्शन बनाते हैं, उन्हें इससे कोड का स्ट्रक्चर उनका अच्छा लगता है, तो इस तरह के फंक्शन यूज़ करते हैं। तो आप इस तरह का फंक्शन भी बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये तीन टाइप के फंक्शन होते हैं। तो फ्रेंड्स अभी इस ट्यूटोरियल में इतने ही, इसके आगे हम और भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के डिस्कस करेंगे हमारे नोड जेएस से रिलेटेड। तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद है, लाइक एंड शेयर करें और हमारे चैनल को जो सब्सक्राइब करें, ताकि हम जो भी नई वीडियो अपलोड करें उसकी अपडेट आपको मिलती रहे। और फ्रेंड्स अगर आप और भी डिफरेंट टाइप के प्रोजेक्ट ट्यूटोरियल देखना चाहते हैं, तो आप मेरी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। आपको मेरी वेबसाइट की लिंक इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।